नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपके सामने मकर संक्रांति के दिन दान के महत्व एवं राशि अनुसार पर क्या क्या दान करना चाहिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जानिए मकर संक्रांति के दिन दान का क्या महत्व होता है और आप कौन से राशि के हैं और आप अपनी राशि के अनुसार पर क्या दान कर सकते हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं, पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब जब हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान का महत्व। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का महत्व अन्य दिनों में किए हुए दान की अपेक्षा अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के भोग का विशेष महत्व होता है। खिचड़ी का भोग ग्रहण भी करना चाहिए, खिचड़ी का भोग दान भी करना चाहिए। खिचड़ी के अलावा गुड़, तिल, रेवड़ी, गजक आदि का प्रसाद भी बांटना चाहिए, वह भी एक दान में आता है। मकर संक्रांति के दिन यथासंभव गरीबों को अन्नदान, खिचड़ी दान, चावल का दान, तिल दान, गुड़ एवं कंबल का भी दान करना चाहिए। इस दिन तिल या तिल से बने लड्डू या फिर तिल के अन्य खाद्य पदार्थ भी दान करना शुभ होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य तभी फलदायक होता है जब वह पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ किया जाता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन दान करना चाहते हैं तो सहजता पूर्वक दान कीजिए। आडंबर और दिखावे के साथ किया गया दान पुण्य फलदायक नहीं होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन कुछ दान करना चाहते हैं तो अवश्य दान कीजिए। मकर संक्रांति को दान करना भी चाहिए, लेकिन उस दान में आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है और आपकी राशि के अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए। यदि आप अपनी राशि के अनुसार पर दान करते हैं तो आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। आइए अब यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन किस राशि के जातकों के लिए क्या दान करना चाहिए। मेष राशि। मेष राशि के जातकों को गुड़, मूंगफली के दाने एवं तिल का दान करना चाहिए। वृष राशि। वृष राशि के जातकों को सफेद कपड़ा, दही एवं तिल का दान करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को मूंग दाल, चावल एवं कंबल का दान करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को चावल, चांदी एवं सफेद तिल का दान करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को तांबा, गेहूं एवं सोने की मोती दान करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को खिचड़ी, कंबल एवं हरे कपड़े दान करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को सफेद कपड़ा, चीनी एवं कंबल दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को गुड़, लाल कपड़ा एवं तिल का दान करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी एवं सोने का मोती दान करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को काला कंबल, तेल एवं काली तिल दान करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को काला कपड़ा, काली उड़द, खिचड़ी एवं काली तिल दान करना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि के जातकों को रेशमी कपड़ा, चने की दाल, चावल एवं तिल दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन राशि अनुसार किए जाने वाले दान सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि आप मकर संक्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर उसका वीडियो उपलब्ध है। उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप मकर संक्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस वर्ष मकर संक्रांति कब मनाना चाहिए उसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसे देख करके आप इस वर्ष के मकर संक्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है, वहां जाकर के देख लीजिए। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव, जय जय सूर्यदेव।